हेलो गाइस, तो आज फिर से मैं आप लोग के लिए लेके आ गई हूँ ब्यूटीफुल सा अमेजिंग सा हेयर स्टाइल। क्या आपका भी पोनी टेल नीचे की तरफ झुक जाता है, कुछ भी कर लो बार बार नीचे को आ जाता है? तो मैं लेके आई हूँ बहुत ही अच्छा सा आइडिया जिससे कि आपकी पोनी टेल काफी सुंदर भी दिखेगी और लंबी भी दिखेगी, छोटी भी नहीं दिखेगी। जैसे हम लोग क्लचर लगाते हैं बट क्लचर को ऊपर की तरफ कर देते हैं जिससे कि हमारी जो पोनी टेल है वो काफी शॉर्ट दिखने लगती है, बट अभी कुछ अलग सा डिफरेंट से लेके आए जिससे आपकी पोनी टेल भी छोटी नहीं दिखेगी और आपका जो पोनी है उसका वॉल्यूम भी काफी अच्छा दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है एक क्लचर और एक लेना है रबर बैंड। तो इस रबर बैंड और क्लचर की मदद से हम लोग बनाएंगे ये वाला पोनी टेल हेयर स्टाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या, आपको बालों को एक पोनी बना लेनी है। अच्छे से कॉम कर लेंगे। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको क्या करना है, कैसे हेयर वॉश करना है, वो चीज जाके देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देख लिया। इस तरीके से आपको पोनीटेल में रबर बैंड लगाना है। ओके, रबर बैंड लगाने के बाद फिर बालों को टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब अगेन रबर बैंड को ट्विस्ट करेंगे एंड हाफ हेयर में इस तरीके से लगा देंगे। अब देखिए आपकी पोनीटेल की जो हाइट है वो काफी अच्छी और ऊंची दिख रही है, दिख रही है ना, वॉल्यूम भी काफी अच्छा दिख रहा है। तो आप इस तरीके से पोनी बना सकते हो। पतले हल्के बालों में पोनीटेल हेयर स्टाइल काफी अच्छा लगेगा। क्राउन एरिया से हेयर को थोड़ा खींच लेंगे जिससे कि हमारे क्राउन एरिया का वॉल्यूम है वो अच्छा दिखेगा। साइड से जो आपको लेयर्स निकालने हैं वो आप निकाल सकते हो। एंड अगर आपको पोनीटेल का हाइट, देखिए वॉल्यूम काफी अच्छा दिख रहा है, पोनीटेल इस तरीके से बनाएंगे तो काफी अच्छा वॉल्यूम आपके बालों में क्रिएट हो जाएगा। और भी अच्छा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आपने जहां से रबर बैंड लगाया है वहां से बालों को इस तरीके से उठाएंगे और रबर बैंड के जस्ट ऊपर क्लचर लगाएंगे और पोनीटेल के हेयर को इस तरीके से फैला देंगे। तो ये और भी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड खूबसूरत दिखते हैं। ओके, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आपको पोनी नहीं बनानी है तो आपको बालों को ट्विस्ट करना है, देन इस तरीके से ऊपर इधर लेके जाएंगे एंड क्लचर में इंसर्ट कर देंगे। तो ये क्लचर में इंसर्ट नहीं हो पा रहा है तो हम लोग बालों को टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि मेरे बालों की हाइट हो गई है बहुत छोटी कटिंग कर करके। तो इस तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे, देन ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इसको सिक्योर करने के लिए आप एक या दो यूपिन यूज कर सकते हो तो ये भी काफी अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक यूपिन लगा रही हूँ मैं, आपको जैसे जहां पे लगे कंफर्टेबल वहां पे आप यूपिन लगा लीजिएगा। तो ये हमारा बन भी बन गया इसी में पोनीटेल हेयर स्टाइल के साथ साथ। तो ये थे 3 इजी आइडियाज सिर्फ एक क्लचर की मदद से आप अपने हेयर स्टाइल को बना सकते हो। तो आपको कौन सा अच्छा लगा इनमें से, तीनों में से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी चलते हैं। अगर आपने क्लचर लिया हुआ है एंड आपको बहुत ज्यादा हैवी कुछ हेयर स्टाइल नहीं करना है बट आपके बाल है बहुत पतले तो आप क्या करोगे, आपको पहले अपने हेयर को खोल लेना है। ओके, खोलने के बाद हम लोग पोनीटेल को दोबारा से रबर बैंड को निकाल लेंगे। हेयर को अगेन कॉम करेंगे। इस तरीके से रबर बैंड को लगा लेंगे। रबड़ को थोड़ा टाइटली लगा लेना है और पोनीटेल के हेयर को ऊपर की तरफ से छोड़ देना है। अब आपके जो बचे हुए हेयर हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और सिंपली कुछ नहीं करना है, बस ऐसे पोनी के चारों तरफ लपेट देना। और ये काफी कंफर्टेबल हेयर स्टाइल है।
अभी जो बचे हुए हेयर हैं इनको इस तरीके से खींच लेंगे, कहीं कहीं से पकड़ के। और आप इसको यूपिन्स के साथ थोड़े ऊपर नीचे करके लगा सकते हो यूपिन्स को, जिससे कि जो आपका बनकल हुआ है हमने बीच से पकड़ा इसको और इस तरीके से लाके यहाँ पे लगा दिया, फिर हमने साइड से पकड़ा और इस तरीके से लाके यहाँ पे लगा दिया। ओके, मैसी सा बन आपका बनके रेडी हो जाएगा इसमें। फिर हमने यहाँ साइड से लिया, ऊपर की तरफ लगा दिया, फिर हमने इस साइड से लिया और नीचे की तरफ लगा दिया। इस तरीके से आप एक मैसी बन भी क्रिएट कर सकते हो सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से। तो ये कैसा लगा आपको बन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये है आज के इजी हेल्पफुल हेयर स्टाइल आइडियाज। अगर आपको कम लगे और भी यूपिन्स लगाने हैं तो आप ऐड कर सकते हो यूपिन। सॉरी बट मेरे पास यूपिन खत्म हो गए हैं तो मैं इतने पे ही रोक दिया है हेयर स्टाइल को। अगर आपको मांग वगैरह निकालनी है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, मांग के साथ भी काफी अच्छी लगेगी। अगर आप साड़ी डाल दो तो बीच की मांग निकाल सकते हो, कुर्ती वगैरह डाल दो तो साइड की निकाल सकते हो, या फिर वेस्टर्न ड्रेस है तो साइड की निकाल सकते हो। तो इसी तरीके की हेल्पफुल इजी हैक्स एंड हेयर स्टाइल आइडियाज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड मैं जो भी अपडेट लेके आती हूँ, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपके बाल बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रही है, बाल में साइन नहीं है, रफ हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपने बालों की जंपी कीजिए, कोकोनट ऑयल, सरसों के तेल, जो भी आपको सूट करता है उस तेल से आप अच्छे से ऑयलिंग कीजिए। उसके बाद शैम्पू कैसे यूज करना है, क्या मिक्स करना है उसमें, और कैसे आपके बाल का हेयर फॉल रुक सकता है, सारी चीजें कल की वीडियो में डिटेल में बताई हुई है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। कितनी बार बोल रही हूं न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो, नहीं मिस होगी, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। प्लीज शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।